नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी ये चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसका आप लोगों को अब तक था इंतजार। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे चीनी सीमा को लेकर, बड़ी खबर है दोस्तों। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर अब अमेरिका भी इस देश पर दिखाएगा अपनी शक्ति। माइक पोम्पियो ने दिया इस देश को लेकर बड़ा जवाब, वो कौन सा देश है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन के लिंशिया में मस्जिदों को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चाइना ने जिस प्रकार से नेपाल की जमीन पर बनाई है 9 इमारतें, को लेकर नेपाली पीएम को घेरते हुए लोग नजर आ रहे दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है। उससे आगे बताएंगे जहां पर राज्यसभा में राजनाथ सिंह गरजे विपक्ष पर। जी हां दोस्तों, क्या कहा उन्होंने अब तक, सब बताएंगे आपको। साथ ही बिहार इलेक्शन से बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको जहां पर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी वाली गलती दोहरा दी है, वो कौन सी गलती है बताएंगे दोस्तों। तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे कि भारतीय सेना ने लहराया परचम, चीनी सीमा पर 20 दिन में 6 पहाड़ियों पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, एक्सक्लूसिव बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच पिछले काफी समय से तनाव की स्थिति जारी है। इसी बीच पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने पिछले 20 दिन में चीन की सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि चीनी सेना की नजर इन पहाड़ियों पर थी। जी हां दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना के जवानों ने 6 नई बड़ी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रचाना ला, मोखपारी और फिंगर 4 रिज लाइन पर सबसे बड़ी चोटियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पहाड़ियां दक्षिण से उत्तरी किनारे तक फैली हुई है। इस कामयाबी ने फिलहाल भारत को चीन पर बढ़त दिला दी है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। अगर आप भी भारतीय सेना के इस बड़े एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि हमारे भारतीय सेना में शौर्य और पराक्रम के बिल्कुल भी कमी नहीं है और चाइना की सेना को यूं रगड़ सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने दोस्तों, तो अब अमेरिका ईरान पर सख्ती बढ़ाने वाला है। माइक पोम्पियो ने कहा यूएस यूएन के भरोसे चुप नहीं बैठेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो संयुक्त राष्ट्र के भरोसे चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अगस्त में एक बयान में कहा था कि ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत सभी प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के लिए 30 दिन लंबी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वो क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में असफल रहा है। ईरान और वेनेजुएला मामलों के अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि इलियट अब्राहम ने बुधवार को इन प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने की योजना की पुष्टि की थी। ऐसे में दोस्तों ईरान के पीछे हाथ धोकर अमेरिका पड़ गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो चीन के लिंशिया में ढाई जा रही मस्जिदों की गुंबदें चीनी ढांचे ले रही है जगह। जी हां दोस्तों, चाइना से ये बड़ी खबर, जहां चीन में मुस्लिमों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के खिलाफ मुस्लिमों पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं, खासकर शिनजियांग प्रांत में उइगर की संस्कृति को खत्म करने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब गांसू के लिंसिया में भी मस्जिदों के गुंबद तोड़े जाने की खबरें सामने आने लगी हैं। इससे पहले आतुश में मस्जिद गिराकर शौचालय बनाने की खबर सामने आई थी। ऐसे में दोस्तों, लिंसिया को कभी चीन का छोटा मक्का कहा जाता था, लेकिन अब जिस प्रकार से मस्जिद के गुंबद को तोड़ा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों जरूर
बताइएगा। और क्या आपको नहीं लगता कि भारत जैसा कोई अन्य देश नहीं होगा जहां पर बहुत सारी विविधताएं हैं और बहुत सारे कल्चर है। अगर आपका भी यही मानना है कि भारत एक सबसे एकल देश है और यूनिक देश है जिसमें हर प्रांत के लोग हैं और हर किसी को दिल से माना जाता है यहाँ पर दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की अगर माने तो नेपाल में चीनी सेना की घुसपैठ की रिपोर्ट के बीच ड्रैगन ने फेंका दोस्ती वाला जाल, शी जिनपिंग ने भेजा ये मैसेज। आपको बता दे दोस्तों, नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुर के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो नेपाल चीन संबंधों के विकास को बहुत ही महत्व देते हैं और इससे विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध और व्यावहारिक सहयोग विकसित होगा। उन्होंने रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर अपने समकक्ष विद्या देवी भंडारी को एक बधाई संदेश भेजकर ये बातें कही थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो FATF की लटकी फिर से पाकिस्तान पर तलवार, फिर भी 21 आतंकियों को VIP ट्रीटमेंट दे रही है पाकिस्तान की सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की गर्दन पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की तलवार लटके होने के बावजूद पड़ोसी मुल्क आतंकवादियों को पालने पोसने और उन्हें सरकारी मेहमान बनाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सरकार अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से संचालित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी रंजित सिंह नीता सहित 21 आतंकवादियों को VIP सुविधा दे रही है। सूत्रों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस पाखंड को लेकर चिंतित है, जो एक तरफ आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही का दिखावा करता है तो दूसरी तरफ आतंकवादियों की फंडिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार 21 खूंखार आतंकवादियों को VIP को मिलने वाली सुविधाएं दे रही है। इनमें वे आतंकी भी शामिल है जिन पर पिछले महीने कथित प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के इस दोगले पने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो थम नहीं रहा चाइना का कदम, ड्रैगन ने नेपाल की जमीन पर बनाई 9 इमारतें। जी हाँ दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति नेपाल में बदस्तूर जारी है। भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन ठंड के मौसम और नेपाली सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेपाल की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। इस बार मामला नेपाल के हुमला जिले का है। इस पर जिले के नामखा गांव चीन के गुपचुप तरीके से भवन का निर्माण कर लिया है। भवन भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 बड़े बड़े भवन बनाए जा चुके हैं। चीन की हिमाकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, जिस जगह पर उसने भवनों का निर्माण किया है उसके आसपास भी नेपाल के नागरिकों का प्रवेश निषेध कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस बात का खुलासा तब हुआ जब उस गांव पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने गए थे। उन्होंने बताया कि लीमी गांव के लापजा स्थित चीनी सेना ने एक साथ 9 इमारतों का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया। इस प्रकार से बड़ा खुलासा होता हुआ दोस्तों नेपाल की सरजमीन से आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे, जहां नेपाली PM के खिलाफ मधेशियों का प्रदर्शन, कई लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दे, नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत विरोधी गतिविधियों व सीमा बंद करने के फैसले का विरोध नेपाल में बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को विभिन्न संगठनों ने प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारेबाजी कर बांके जिले में प्रदर्शन किया। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मांग पत्र सौंप कर जल्द से जल्द सीमा खोलने की मांग की है। इसको लेकर नेपाली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। वैश्विक महामारी को लेकर भारत नेपाल सीमा 5 महीने से बंद है। साथ ही नेपाल चीन के साथ घनिष्ठता बढ़ाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली के खिलाफ विभिन्न संगठन लाम बंद हो रहे हैं। जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष CK रावत के निर्देश पर बांके जिले में नेपाली प्रधानमंत्री व नेपाल संविधान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ऐसे में दोस्तों, लोगों की मांग क्या आपको सही लगती है? जिस प्रकार से सीमा को खोलने की मांग चल रही है और नेपाल भारत का रिश्ता पहले जितना मधुर था उसकी लोग दोबारा से मांग करने की, कोई भारत और नेपाल के बीच सीमा नहीं होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आप किन के साथ है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा और आपकी क्या मांग है, क्या सीमा होनी
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइएगा जरूर। एक और खबर की अगर माने तो राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा शर्मनाक, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा राजनाथ सिंह का बयान आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दो कृषि बिलों के पास होने और विपक्ष के सदन में हंगामे के बाद सरकार की तरफ से 6 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा शर्मनाक था, विपक्ष को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, आज जो भी हुआ संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था, कृषि बिल किसानों के लिए ऐतिहासिक, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आप राजनाथ सिंह के बयान का कितना समर्थन देते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा 0 से 100% में। एक और खबर की अगर माने तो ईरान पर सख्ती बढ़ाएगा अब अमेरिका, दोबारा बहाल करेगा यूएन प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो नवाज शरीफ ने सेना के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा इमरान खान नहीं उससे सत्ता में बिठाने वालों के खिलाफ है हमारा संघर्ष। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो उच्चतम न्यायालय के लिए किसी महिला न्यायाधीश को नामित करेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रूथ बी गिंसबर्ग के निधन के बाद रिक्त हुए पद के लिए किसी महिला उम्मीदवार को नामित करेंगे। ट्रंप ने शनिवार को उत्तरी कैरोलिना में एक चुनावी रैली में समर्थकों से कहा, मैं अगले सप्ताह किसी को नामित करूंगा, मैं कह सकता हूं कि यह एक महिला ही होगी, कोई अगर मुझसे अभी पूछे तो मैं कहूंगा कि एक महिला सबसे पहले स्थान पर होंगी। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कश्मीर मुद्दे पर नाकामी की खीज, भारत ने इस्लामाबाद में की अपने राजनयिक की पोस्टिंग, पाकिस्तान ने नहीं दिया वीजा। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का खराब होना जारी है, ताजा मामला राजनयिक की पोस्टिंग से जुड़ी हुई है जिस पर पाकिस्तान ने एतराज जता दिया है। दरअसल भारत ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास में काम देखने के लिए राजनयिक जयंत खोबरागड़े की नियुक्ति की थी, हालांकि पाकिस्तान ने राजनयिक को वीजा ही नहीं जारी किया। बता दें कि भारत ने जून में ही खोबरागड़े का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित किया था, हालांकि पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने के बाद भारत ने जून में ही राजनयिक संबंधों को कम करने का ऐलान करते हुए पाकिस्तानी दूतावास के संख्या बल को 50% घटाने के निर्देश दे दिए थे। बदले में विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद के दूतावास से भी आधे राजनयिक को वापस बुला लिया था। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी पाकिस्तान और भारत को लेकर। एक और खबर की अगर माने तो बिहार इलेक्शन से बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार ने किया 177 योजनाओं का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो किसान संबंधी बिलों के पास होने पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा किसानों की टेक्नोलॉजी तक पहुंच होगी अब आसान। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे कृषि क्षेत्र को मॉडर्न तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनत कश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान हो जाएगी, इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे, ये एक स्वागत योग्य कदम। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से उच्च सदन में ये बिल पास होने को लेकर, अगर आप इस बिल का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि ये बिल किसानों के हित में है, तो कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि वर्ष 2022 में 19% की रफ्तार से बढ़ेगी जीडीपी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो यूपी में सोमवार से नहीं खोले जाएंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार ने कहा ऐसे हालात नहीं है अभी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार से स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। राज्य सरकार के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है कि स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फिलहाल स्कूल खोलना संभव नहीं है, इसलिए फिलहाल इसे बंद रखने का ही फैसला किया गया है। ऐसे में दोस्तों सरकार के इस कदम का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा, क्या स्कूल को भी खोलना उचित होगा दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो हमारे देश भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या अब बढ़कर 74.3 करोड़ हो गई है दोस्तों, और जियो की जिसमें कुल हिस्सेदारी 52.3% है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओरेकल को दी चेतावनी, ओरेकल को दी चीनी कंपनी टिकटॉक खरीदने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे बाहुबली नेता शहाबुद्दीन, तिहाड़ प्रशासन ने नहीं दी इनको पैरोल। जी
हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बिहार इलेक्शन से बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी वाली गलती दोहरा दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे पटना चौक सहित कई जगहों पर लगे पोस्टर काफी चर्चा में बने हुए हैं। पोस्टर में पूरे लालू परिवार के चेहरे हैं। लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती। लालू को सलाखों के अंदर दिखाया गया है और लिखा गया है कि सजायक्ता कैदी नंबर 3351। पोस्टर पर सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर है भार। अमूमन राजनीतिक पोस्टर जिसकी तरफ से लगाए जाते हैं उसके नाम बड़े अक्षरों में और तस्वीर भी अलग से बड़ी सी दिखाई जाती है, लेकिन ये गुमनाम पोस्टर है। किसी को नहीं मालूम किसने ये पोस्टर लगवाए हैं। बिहार के चुनावी माहौल में जिसने भी ये पोस्टर लगवाया हो, देखकर तो ये पता चलता है कि जो कोई भी हो वो लालू परिवार और आरजेडी का राजनीतिक विरोधी ही होगा। ये तो विरोधी राजनीति का पोस्टर है, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लालू यादव का नदारद होना भी राजनीतिक तौर पर सही फैसला नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी की तरफ से जो चुनावी पोस्टर देखने को मिल रहा है उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर है और होना भी चाहिए, लेकिन लालू यादव की कोई तस्वीर ना होना सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है दोस्तों। क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को लालू यादव की छाया से वैसे ही अलग कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए गांधी परिवार से अलग के अध्यक्ष की जिद पकड़े हुए हैं? आपका क्या मानना है ऐसे में दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये परिवार के होने के बावजूद भी इन लोगों में एकता नहीं है? दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सरकार किस प्रकार चलती है, इन लोगों को किस पार्टी की तरह बनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस पार्टी का नाम जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो शिक्षक भर्ती को लेकर एक्शन में सीएम योगी, एक सप्ताह के भीतर खुद बांटेंगे नियुक्ति वाला पद। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो राज्यसभा से भी कृषि विधेयक पास, नड्डा बोले कांग्रेस के दोहरे चरित्र से वाकिफ है किसान। जी हां दोस्तों, राज्यसभा से विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच कृषि संबंधी दो विधेयक जिस प्रकार से पास किए गए उसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जताई है। आपको बता दें नड्डा ने कहा कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के संसद में पास होने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और देश के सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं समर्थन के लिए सभी सांसदों एवं राजनीतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं। संसद द्वारा पारित उपज व्यापार एवं वाणिज्य, कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार और आवश्यक वस्तु विधेयक सही मायनों में किसानों और अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी बात कही गई है जेपी नड्डा की ओर से। ऐसे में अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और साथ ही देश के किसान भाइयों का दिल से शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी इस बिल का दिल से समर्थन करते हैं। तो एक और खबर की अगर माने तो अतीक अहमद के कार्यालय पर चली योगी सरकार की जेसीबी, अब तक 5 अवैध निर्माण को तोड़े जा चुके हैं। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद अतीक अहमद के करबला स्थित कार्यालय पर रविवार को विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने 3 जेसीबी की मदद से कार्यालय के 2 हिस्सों को ध्वस्त करा दिया। अधिकारियों का कहना है कि नक्शे के विपरीत 2 हिस्सों में अवैध निर्माण कराया गया था। विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी शत शुक्ला के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम पुलिस फोर्स के साथ करबला पहुंची थी। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई कार्यवाही शाम करीब 4 बजे के बाद चलती रही। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अगर आपका भी मानना है कि इस प्रकार के माफियाओं के साथ ऐसी ही हरकत करनी चाहिए और इसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम और साथ ही धन्यवाद योगी जी ऐसा जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो राज्यसभा में माइक तोड़ने पर बोले टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, कहा रूल ब्रेक हुए तो कल फिर तोड़ूंगा माइक। इस प्रकार से विवादित बयान दिया गया है दोस्तों इनकी ओर से, और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से टीएमसी के सांसदों और टीएमसी के नेताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है दोस्तों, वो भी गलत कार्य को लेकर और खुले में धमकी दी जाती है। इस पर आपकी क्या राय है टीएमसी पार्टी को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म को लेकर एक और बड़ी खबर, पंजाब में एक और सिख लड़की का
अपहरण कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब इन्हें रूट पर मिलेगी आप लोगों को कंफर्म टिकट, मंजिल तक भी जल्दी पहुंच पाएंगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि रेलवे द्वारा सोमवार से शुरू की जा रही 40 क्लोन यानी मूल रेलगाड़ी जैसी ही दूसरी रेलगाड़ी ट्रेनों के जरिए ज्यादा यातायात वाले मार्गों पर प्रतीक्षा सूची वाले यात्री अपनी मंजिल पर मूल ट्रेन के मुकाबले 2 से 3 घंटे पहले तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि मुख्य रूप से वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की कम ठहराव, ज्यादा गति और मूल ट्रेन के मुकाबले पहले प्रस्थान समय वाली ये क्लोन ट्रेन उन यात्रियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जिन्हें किसी आपात कारण से या आखिरी समय में यात्रा की योजना बनानी पड़ी है। आपको बता दें अधिकारी ने कहा कि उनका ठहराव, ऑपरेशन हाल्ट या रास्ते में पड़ने वाले मंडल मुख्यालय अगर कोई हो तो उन्हीं तक सीमित होगा, जिस पर यात्रा का समय भी घटेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रेलवे के उच्च मांग वाले मार्गों पर 20 ट्रेनें शुरू की हैं जिनमें से अधिकतर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बीच हैं। इनमें से 18 डिब्बों वाली 19 ट्रेनों के लिए टिकट का किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर लिया जाएगा, जबकि लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली 22 डिब्बों वाली क्लोन ट्रेन का किराया जनशताब्दी एक्सप्रेस के बराबर होगा। ऐसे में दोस्तों रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों की अग्रिम बुकिंग 10 दिन की ही होगी और बुकिंग 19 सितंबर को सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी होगी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग यात्रा करना चाह रहे हैं ट्रेन से, बताइएगा जरूर। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक